अस्सलाम वालेकुम पाकव्हीलर्स, हम यहाँ आज MG लाउंज पे मौजूद हैं आपको MG HS Excite का फ़र्स्ट लुक रिव्यू देने के लिए। इनिशियली HS लाइनअप के अंदर सिर्फ एसेंस वेरिएंट अवेलेबल था, लेकिन अब कम्प्लीटली लोकली मैन्युफैक्चर्ड MG HS Excite लॉन्च कर दी गई है। इसको HS लाइनअप का बेस वेरिएंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एसेंस से कंपेयर्ड फीचर्स कम है, बट ऑब्वियसली उसको अकॉर्डिंगली प्राइस भी किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका इंजन इज़ अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 160 हॉर्स पावर के साथ 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी। एलईडी टेल लाइट्स हैं, डे टाइम रनिंग एलईडीज हैं, बिल्कुल एसेंस की तरह इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल आता है। ज़्यादा अंधेरा हो तो हाई बीम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर आगे से कोई गाड़ी डिटेक्टेड है तो खुद ही डिम कर देगी वो लाइट को। इनको फॉलो मी होम हेडलाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि जब आप लो विजिबिलिटी कंडीशंस में गाड़ी को पार्क करते हैं, इवन आफ्टर लॉकिंग द कार द लाइट्स विल स्टे ऑन, ताकि आपको विजिबिलिटी इशूज़ ना आए रात। हीटेड इलेक्ट्रिक साइड मिरर्स के साथ यू गेट 17 इंच के रिम्स, उसके ऊपर 215/60 मैक्सिस के टायर्स डाले गए हैं। जो ट्रंक है इस वेरिएंट में मैनुअल है, बट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिसेंट कार ओवरऑल। कीलेस एंट्री मिलती है आपको, और जो प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स हैं उनको पोजीशन सेटिंग्स आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं। इंटीरियर इसका स्टैंडर्ड आता है विदाउट ऑप्शंस, ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग है, ये फॉल लेदर है, कुछ लोग इसको लेदर राइट कहते हैं। मेन फीचर्स पर आते हैं तो 7 इंच का डिजिटल मीटर है, 10.1 इंचेस का इंफरटेनमेंट डिस्प्ले है, इसमें कैमरा सिर्फ एक है विद डायनामिक गाइडिंग लाइंस। MG पायलट के सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, इमरजेंसी ब्रेकिंग, कोलिजन वार्निंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, रेयर पार्किंग सेंसर्स है, एंड ऑब्वियसली ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर। क्लाइमेट कंट्रोल इज 1 जोन ओनली। 3 ड्राइविंग मोड्स अवेलेबल होंगे। स्पोर्ट मोड में आपका स्टीयरिंग और सस्पेंशन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, इको के अंदर गियर शिफ्ट रेंजेस बढ़ जाते हैं फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल रिसीव कर सकते हैं, एडजस्टेबल एज वेल। जो ड्राइवर सीट है इस 6-वे एडजस्टेबल, जो पैसेंजर सीट है वो 4-वे एडजस्टेबल है, यानी कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, इसमें नहीं है। इवन सनरूफ इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी द बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल इज सुपर्ब। इलेक्ट्रिक विंडोज एंड एवरीथिंग, आपको गाड़ी में बैठ के ये नहीं फील होता कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया गया। 6 एयरबैग्स हैं इन द कार, प्लेंटी ऑफ लेग रूम। ओवरऑल लोगों का गाड़ी खरीदने से पहले एक मेन कंसर्न जो होता है वो फ्यूल एवरेज का होता है, बट इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है इज जस्ट अबाउट द सेम एज द स्पोर्टेज और टूसॉन जो इसके कंपटीशन में। जब आपको इस प्राइस टैग में इतनी फीचर पैक्ड गाड़ी मिल रही है तो ऑब्वियसली इन माय ओपिनियन कंज्यूमर इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा एमजी की तरफ जाएगा। एसेंस और एचएस वेरिएंट का एक नाम भी बन गया, 15,000 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड ऑलरेडी। तो ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।